पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अपनी सफर की शुरुआत, अपने काम, अपनी कोई भी एक्टिविटी की शुरुआत जब हम करते हैं तब हमें मंजिल का पता नहीं होता। हाँ, हमारे माइंड में गोल होता है, पर उस गोल को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को ट्रू करने के लिए कितनी सारी मुश्किलें आएगी वो भी हमें पता नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये जज्बा अपने अंदर रखना है कि हमें उम्र भर हौसला रखना ही रखना है। क्यों? ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, क्योंकि और किसी से वादा अगर आपने किया हो तो उसे आप तोड़ भी सकते हैं, पर जब अपने आप से खुद से आप वादा करते हो तब उस वादे को तोड़ना नामुमकिन है। एक फिल्म का डायलॉग भी है, जब मैंने अपने आप से कमिट किया है तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ डायलॉग है। मतलब जब हम अपने आप से वादा करते हैं तब हमें हौसला रखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही रहना है। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और उन सभी के कन्वर्जन, उसके रिलेटेड सभी पॉइंट्स हमने देखे। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सीरीज व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन एंड ओपन एंड सीरीज। तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सीरीज व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। क्लास इंटरवल पर से मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा। आज हम देखेंगे मिड वैल्यू जब दी गई होती है तब उसके ऊपर से हम क्लास इंटरवल यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मिड वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसीज। अब इस कन्वर्जन के लिए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स फर्स्ट, कैलकुलेट म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज। हमें ये देखना होता है कि जो भी हमें मिड वैल्यूज दी गई है उसमें म्यूचुअल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक समान डिफरेंस होना चाहिए। देखते हैं 5 टू 15 तो 10 का डिफरेंस हुआ, 15 टू 25 यहाँ भी 10, 25 टू 35 10, 35 टू 45 10। इट मीन्स के यहाँ पर मिड वैल्यूज में म्यूचुअल डिफरेंस है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। D इज इक्वल टू एम टू मतलब सेकंड मिड वैल्यू माइनस एम वन मतलब फर्स्ट मिड वैल्यू, 15 माइनस 5 तो 10, ये हमारा स्टेप वन हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, लोअर लिमिट का फॉर्मूला है L1 इज इक्वल टू एम माइनस 1 बाई 2 डी एंड अपर लिमिट का फॉर्मूला है L2 इज इक्वल टू एम प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पे L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, M इज इक्वल टू मिड वैल्यू, D इज इक्वल टू डिफरेंस, L2 इज इक्वल टू अपर लिमिट। तो इसी फॉर्मूला से अब हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को फाइंड करेंगे। लोअर लिमिट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है एंड अपर लिमिट का भी यहाँ पे लगाया गया है, तो इस फॉर्मूला से हमें क्लास इंटरवल मिलते हैं 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। इस तरह से इजीली हम मिड वैल्यू पर से क्लास इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल सीरीज में काफी तरह की, काफी टाइप्स की सीरीज हमने देख ली, समझ ली। इस सीरीज में अब लास्ट है ओपन एंड सीरीज। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमको सीरीज दी गई है उसमें इन दिस सीरीज लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन। फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो हमें दी नहीं जाती, मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें मिलता नहीं है, दिया जाता नहीं है, इसीलिए हम इसे ओपन एंड सीरीज कहते हैं। वी कैलकुलेट क्लास साइज फ्रॉम अदर क्लास इंटरवल, जो दूसरे क्लास इंटरवल हमको दिए गए हैं उसके ऊपर से हम क्लास की साइज फाइंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 10 टू 20, 20 टू 30 दिया गया, यानी कि क्लास की साइज यहाँ पे है 10। तो अब हमें क्लास की साइज पता चल गई है, इसीलिए अब हम इस सीरीज को
कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं, मास का जो क्लास इंटरवल है वो 0 to 10, यानी कि फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट आएगी 0, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, यानी कि लास्ट जो क्लास इंटरवल हमारा है उसकी अपर लिमिट आएगी 40। तो इसको हम कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने काफी सारे कन्वर्जन भी देखे हैं। इस कन्वर्जन का यूज हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमको करना होगा। तो आज के इस दोनों टॉपिक के साथ थियोरिकल टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं और अगले पार्ट से हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी थे।